बस यूं ही याद आया वो मासूम सा इज़हार बस यूं ही याद चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। इसको इजी करने के लिए मैंने फिफ्थ फ्रेट पे केपो यूज़ किए, और जो कॉर्ड्स हैं वो है सी मेजर, ए माइनर 7, एफ सस्पेंडेड 2, जी मेजर, डी माइनर, ठीक है। तो इतने कॉर्ड्स यूज हुए हैं, फिर से देख लेते हैं। सी मेजर, ए माइनर 7, एफ सस्पेंडेड 2, जी मेजर एंड डी माइनर, ठीक है। तो इतने कॉर्ड्स यूज हुए हैं। अब जो प्लकिंग पैटर्न मैंने यूज किया है इसमें, सी के लिए जो सी और एफ सस्पेंडेड और ए माइनर 7 के लिए जो प्लकिंग पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने यूज़ किया है 5 के बाद जो नीचे की सेकंड और थर्ड नंबर की स्ट्रिंग्स उनको साथ में इस तरह पिक किया है, ठीक है। फिफ्थ, देन सेकंड एंड थर्ड, देन अगेन फोर्थ, देन सेकंड एंड थर्ड, कॉर्ड के लिए चेंज हो जाएगा ये 6, देन 2 एंड 3, देन 5, 2 एंड 3, 6, इट्स काइंड ऑफ अ हॉर्स बीट, ठीक है। और जो डी माइनर है उसके लिए होगा 4th 1 2, देन 3rd 1 2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं प्लकिंग के साथ, तो आप कर सकते हैं, रिदम भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। जो पहली लाइन की प्रोग्रेशन है वो है सी मेजर टू ए माइनर 7, देन एफ सस्पेंडेड 2 टू जी मेजर, और सेम प्रोग्रेशन नेक्स्ट लाइन के लिए रहेगी, ठीक है। बस यूं ही ए माइनर 7 याद आया वो, ठीक है। एफ सस्पेंडेड 2, मासूम सा, जी मेजर इज़हार, नेक्स्ट लाइन एग्जैक्टली सेम, उसको प्ले करके दिखा देता हूँ। बस यूं ही याद आया वो उलझा सा करार, ठीक है। इसके बाद जो प्रोग्रेशन है नेक्स्ट लाइन की वो है ए माइनर 7 टू सी मेजर, देन डी माइनर टू जी मेजर टू सी मेजर, ये कुछ तरीके से है। बेकूफ ये दिल सी मेजर था तुझसे निसार, डी माइनर याद है, जी मेजर मुझको वो पुराना, सी मेजर प्यार, रिदम में बेकूफ ये दिल था तुझसे निसार, याद है मुझको वो पुराना प्यार, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वर्स है, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें सेम कॉर्ड्स यूज़ हुए हैं, सेम पैटर्न यूज़ हुआ है, ठीक है, मेलोडी सेम है, तो ऑब्वियसली बात है जो कॉर्ड्स रहेंगे वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसके आगे का वो देख लेते हैं। उसमें जो प्रोग्रेशन यूज़ हुई वो है ए माइनर 7 टू एफ सस्पेंडेड 2 थ्री टाइम्स देन सी मेजर 2 डी माइनर, और ये कुछ तरीके से है। वक्त वहीं पे छूटा, वक्त था जो रूठा, बस में मेरे हाँ कल तक कुछ भी तो नहीं था। अब जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन है वो भी ए माइनर 7 टू एफ थ्री टाइम्स देन सी टू जी देन ए माइनर सी एन डी, ठीक है, और ये कुछ तरीके से है। फर्जी नाज टूटा था वो नसीब झूठा, गैर बन गया तू रफ्ता तू रफ्ता बस यूं ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसके रिटन कॉर्ड्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे।